गणतंत्र दिवस मौके देश विदेश वास्ते सारे भारतीयों के खास तौर पर पंजाबियों कह दिनों लिखी बधाई और शुभकामना दिता हाँ। मैं साड़िया हथियारबंद फौजा उन्होंने बहादुर सूरबीरों भी बधाई दिता हाँ जो कि साढ़े देश की अखंडता एकता की राखी कर रही हैं। आजादी तो बाद 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू होया। सानू दुनिया में सब तो वड्डी जमहूरीयत होने का मान हासिल होया। आज के दिन भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीम राव अंबेडकर के योगदान भी अखो परोखे नहीं किया जा सकता। मैं अजिही शख्सियत को सिजदा करता हाँ। श्री रमन बहल जी भी साढ़े दरबार पहुंचे ने। तो अज के समागम के मुख्य मेहमान जिला वासियों वालों उन्हों का हार्दिक स्वागत जी आया। मंत्री साहब वालों कौमी झंडा लहराने की रस्म अदा की क्योंकि अस सारे ही अंत के खड़े हुए ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਜਨਾਬ ਸੰਜੀਵ ਅਗਰਵਾਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਸਹਿਨੇ ਚਮਨ ਕੋ ਆਪਣੀ ਬਹਾਰੋਂ ਪੇ ਨਾਜ਼ ਥਾ ਸਹਿਨੇ ਚਮਨ ਕੋ ਆਪਣੀ ਬਹਾਰੋਂ ਪੇ ਨਾਜ਼ ਥਾ इंस्पेक्टर साहिब सिंह कर रहे हैं। पहली टुकड़ी पंजाब पुलिस की सलामी मंच के अड्डे की लंघती हुई मुख्य मेहमान जी को सलामी पेश करती हुई खास तौर पर पंजाबियों को तह दिलों निघी बधाई और शुभकामनावां दिंदा हां। मैं साड़िया हथियारबंद फौजा के उन्हां बहादुर सुरबीरां नूं भी बधाई दिंदा हाँ जो साढ़े देश की अखंडता अते एकता की राखी कर रहे हैं। आजादी तो बाद 26 जनवरी 1950 नूं भारतीय संविधान लागू हो जाण नाल गणराज की स्थापना हुई सी अते सारी दुनिया विच सब तो वड्डी जमहूरीयत होने का मान हासिल होया सी। अज के दिन भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीम राव अंबेडकर जी की योगदान भी अखो परोखे नहीं किया जा सकता। अजिही शख्सियत नूं मेरे वालों सजदा। भारतीय संविधान की खासियत करके ही साडा महान देश अज विश्व के सब तो वड्डे लोकतांत्रिक देश वजों उभर के सामने आया है।